हे hey, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज का ये जो पिटारा है इसमें जो है एक्सेल का फन लेके आया हूं। सभी दिन बहुत फार्मूला देखा, बहुत सारा ट्रिक देखा, आज कुछ फन करते हैं। देखिए फन में क्या है, हमारे पास यहां पे एक सीट है, ये सीट कुछ एक सा नॉर्मल सा सीट है और जब इस पे यहां पे एक बटन बना हुआ है, एक ऊपर की बटन है एक नीचे की बटन है। जैसे ही मैं इस पे बटन पे क्लिक कर रहा हूं, देखिए कुछ आ रहा है आपके सामने, कुछ इमेज की और तरह अपीयर हो रहा है। जैसे जैसे क्लिक कर रहा हूं आपका जो इमेज जो है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, देखिए बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और फाइनली जो है हमारे पास जो है यहां पे एक इमेज आ चुका है। जैसे जैसे मैं क्लिक किया आपका जो यहां पे इमेज आता रहा है, फिर से क्लिक किया इमेज गायब होता गया, गायब होता गया, चलो चलो पूरा खत्म हो गया, फिर से लाना है, टिक करो ना टिक कर, तो करते 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 आपको जो भी इमेज है वो आ जाएगा। ये काम हम लोग एक्सेल में किस तरह से करेंगे, क्या है इसका करने का तरीका, वही मैं बताने वाला हूं, पूरा डिटेल में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आपको ये एक्सेल का फन देखना है तो देखो मेरे साथ, बनो ये फन किस तरह से बनाता हूं। ठीक है, देखिए हम क्या कर रहा हूं, एक नया सीट ले रहा हूं, ये मेरे पास न्यू सीट है, फ्रेश सीट है और इस फ्रेश सीट को क्या करूंगा, नॉर्मल सी बात है, मैं यहां पे इस फन के जरिए मैं आपको बहुत सारा ट्रिक भी बताने वाला हूं जो कि आपको बहुत यूजफुल होने वाला है और यहां पे आपका बहुत सारा कंसेप्ट भी क्लियर होने वाला है जो कि यहां पे देख लीजिए। देखिए क्या है, यहां पे जो है मैं एक्सेल फन में यहां पे क्या कर रहा हूं, अगर मैं यहां पे पेज लेआउट में जाता हूं, कहां जा रहा हूं, पेज लेआउट में जाऊंगा तो आपके पास जो यहां पे एक ऑप्शन आता है बैकग्राउंड का, तो आप जैसे ही बैकग्राउंड में जाओगे तो यहां पे बैकग्राउंड में आप ऑफलाइन बैकग्राउंड जो है यहां पे लगा सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन बैकग्राउंड में आप जो है यहां पे जो भी पिक्चर चाहे, जैसा भी पिक्चर चाहे आप यहां से आप उठाओ डेस्कटॉप से और यहाँ पे आप अपना पिक्चर जो है जैसा चाहे आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक पिक्चर है मेरा, ये पिक्चर जो है मैंने यहाँ पे लगा दिया। जब आप पिक्चर लगाओ देखे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, कोई बात नहीं। देखो ये क्या हो गया, एक बैकग्राउंड में एक पिक्चर आ गया। देखो जब मैं इसी जा रहा हूं ये पूरा सभी जगह ये पिक्चर आ चुका है, लेकिन अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा क्रामत करता हूं, मुझे क्या चाहिए, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो है पिक्चर जो है क्या होना चाहिए, मैं थोड़ा सा कलरफुल कर देता हूं, इतना पिक्चर जो है मुझे आना चाहिए। बाकी सभी जो है अगर मैं नहीं लाना चाहता हूं, चलो यहां पे क्या करता हूं, इसको फील कलर है ना, इसको चलो व्हाइट कलर कर दिया। अभी क्या हो गया, देखिए पूरा सीट जो है व्हाइट हो चुका है, लेकिन आपका अगर यहां पे क्लिक रखा, यहां पे देखिए कर्सर में रखा, अगर यहां पे नो फिल किया तो अंदर का जो है पिक्चर जो है वो यहां पे जो है ऑटोमेटिक आ रहा है, पिक्चर आ रहा है। ओके, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इसको पकड़ के यहां से जे से के तक ले रहा हूं और इसको जो है थोड़ा सा नो फिल कर दे रहा हूं। और चाहिए नो फिल, कहां तक करना है इसको, मुझे जहां भी चाहिए आपको उसको कर दीजिए नो फिल, नो फिल किया तो आपका आ गया। और चाहिए इसको भी चाहिए तो मैं इसको भी कर देता हूं, और यहां भी चाहिए तो नहीं रहने देते हैं तो रहने चाहिए, आप जैसा चाहे यहां से नो फिल, करेक्ट है। इतना ही पिक्चर चाहिए जो कि मुझे जो है जस्ट क्लिक करते ही ये जो है आता रहे जाता रहे, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट करने वाला क्या हूं, सभी जगह ग्रिड लाइन है, इसमें भी ग्रिड लाइन है, यहां पे मैं एक छोटा सा अगर चाहे तो दूसरा कलर में मैं यहां पे कुछ डाल देता हूं ताकि आपको इजी रहे समझने में, यहां पे कलर भी मैंने यहां पे चेंज कर दिया। ओके, इतना हो गई बात, अब बात को देखिए बात किस तरह से बनाएंगे, इसमें आपको एक एक कंसेप्ट में डालूंगा और कंसेप्ट के थ्रू फन भी करेंगे, कंसेप्ट भी सीखेंगे, दोनों काम एक साथ सीखेंगे। यहां पे क्या किया, जस्ट यहां पे कलरफुल बना दिया, उसके बाद जाना है डेवलपर टैब में, कहां जाना है डेवलपर टैब में, अगर आपके सिस्टम में डेवलपर टैब नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी देखो किस तरह से लाते, अगर आपके सिस्टम में यहां पे डेवलपर नहीं है ना तो आप क्या करो, यहां पे फाइल में जाना है आपको, कहां जाना है फाइल में जाना है, ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में जाने के बाद जो है आपको जो है यहां पे कस्टम रिबन बार में जाओगे तो यहां पे डेवलपर मिलेगा, डेवलपर यहां पे ट्रिक है इसीलिए दिख रहा है, अगर आप में टिक नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। डेवलपर में गया, इसको ओके किया तो आपको यहां पे डेवलपर टैब मिल गया। ओके, जब इतना तक आप कर लिए हो, इतना तक कर लिए हो, डेवलपर आ गया, अब काम क्या करना है, देखो
काम क्या करना है आपको, डेवलपर के अंदर यहां पे क्या है, इंसर्ट, इंसर्ट में जाइए और यहां से जो है ये वाला कंट्रोल है ना स्पिन बटन फॉर्मेट कंट्रोल का, ये वाला उठाइए और यहां पे रख दीजिए। यहां पे मैं क्या किया, एक फॉर्मेट कंट्रोल का बटन रख दिया। रखने के बाद जब आप यहां पे ये बटन रख दे रहे हो, आपको जहां भी रखना है इस बटन को अपने अनुसार सेट कर लीजिए। ओके, जब उसके बाद आप इस बटन पे राइट क्लिक करो और इसका फॉर्मेट कंट्रोल पे जाओ। क्या करना है, इसका फॉर्मेट कंट्रोल, जैसे यहां फॉर्मेट कंट्रोल आओगे तो इस टाइप से विंडो जाएगा और इस फॉर्मेट का जो है सेल लिंक जो है मैं यहां पे कहीं पे इस सेल को दे देता हूं, जहां भी है उसको क्लिक के बाद अब क्या करना है, यहां जो करंट जो है मिनिमम वैल्यू में 0 रखता हूं और मैक्सिमम जो वैल्यू है इसका मैं रखूंगा कितना, 100 रखता हूं। कितना रखा, 100 रखा और इसको इंक्रीमेंटल में यहां पे कर दिया 5, इसको कर दिया ओके। तो देखो क्या होता है, यहां पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, इसके बाद यहां पे जैसे क्लिक करोगे यहां पे 5 आता, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, इस तरह से ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कहां तक जाएगा, 100 तक जाएगा। अगर कम करते हो तो ये कम भी होगा। ओके, इतनी हो गई, इतनी सी बात हो गई बस। अब देखो क्या है, देखो क्या है कि ये फॉर्मेट कंट्रोल में यहां पे लिंक किस तरह से सेट किया आपको पता चला। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात क्या आती है, अब आपकी यहां पे जो है मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा, फर्स्ट सेल में इक्वल टू लिखूंगा, लिखूंगा रेंड बिटवीन। क्या फॉर्मूला लिख रहा हूं, रेंड बिटवीन, रेंड बिटवीन करके यहां से मैं फर्स्ट सेल 1 से 100 तक पास किया। कहां से, 1 से लेके 100 तक मैं पास करता हूं इसको, और इसको ब्रैकेट को करता हूं क्लोज और इसको एंटर करता हूं। तो यहां पे लिखा 100 और इसी को मैं यहां से यहां तक ड्रैग कर देता हूं और नीचे भी इसको ड्रैग कर देता हूं। तो सभी जगह क्या हो गया, यहां पे नंबर आ गया। अब मैं इसी नंबर को कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी किया और यहीं पे जो है पेस्ट वैल्यू कर दिया। तो क्या होगा, यहां से देखिए आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहां से चला गया और यहां पे सिर्फ जो है नंबर बचा है। क्या है, नंबर बचा है। इतना होने के बाद, इतना होने के बाद आपको करना क्या है, देखो इतना होने के बाद अगर मुझे ये ग्रिड लाइन है ना, ये ग्रिड लाइन को हटाना है तो आप यहां पे व्यू में जाइए और यहां से जो ग्रिड लाइन है, ये ग्रिड लाइन यहां से हटा दीजिए, तो यहां से ग्रिड लाइन भी चल गया, ग्रिड लाइन नहीं है यहां पे। कलर करेक्ट है, ग्रिड लाइन नहीं है। अब क्या करना है, यहां पे देखिए क्या है, इसको मैं थोड़ा सा ये सेलेक्ट करके यहां से थोड़ा डिफरेंट कलर दे देता हूं। यहां क्या किया, थोड़ा सा दूसरा कलर, आपको जो भी कलर चाहिए यहां पे एक अलग सा कलर दे दिया। अब क्या हो गया, यहां पे जो है एक नंबर दिख रहा है, फोटो नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, इतना होने के बाद अब क्या करना, मैं यहां पे एक कंडीशनल फॉर्मेट सेट करूंगा, यहां से ये सब के आगे पकड़ूंगा और यहां से कंडीशनल फॉर्मेट में जाऊंगा, न्यू रूल में जाऊंगा और न्यू रूल में जाने के बाद आप क्या है, फॉर्मेट ओनली सेल कंटेंट। ठीक है, तो सेल कंटेंट यहां पे इस सेकेंड वाला आप क्लियर करेंगे और यहां पे सेल वैल्यू में करेंगे और इसको जो है करूंगा लेस देन और इक्वल टू। क्या किया, लेस देन और इक्वल टू किया और इसको जो है ये सेल है ना यहां पे जो है इसको मैं लिंक कर देता हूं इस सेल से, जो कि आपको यहां से कंट्रोल से लिंक है। उसके बाद फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट में जाने के बाद इसका जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में जाने के बाद आप क्या करो, इसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट को नॉन फॉर्मेट कर दो, मतलब नो कलर। यहां फिल है ना, ये फिल वाला ऑप्शन है ना, इसको क्या कर दीजिए, नो फिल। क्या किया मैंने, इसको नो फिल कर दिया, इसको कर दीजिए ओके और इसको कर दीजिए ओके। तो देखिए क्या होता है, हो रहा है अभी देखो, जैसे जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं ना, तो आपका जो है यहां पे नंबर बढ़ रहा है, तो आपका जो है यहां पे वो नो फिल आ रहा है और आपका जो है पिक्चर जो है ऑटोमेटिक आ रहा है। जब आप इसको डाउन में करोगे तो यहां पे देखिए पिक्चर यहां से हट रहा है, जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है यहां पे, ये तो आ रही है, जा रही है, लेकिन यहां पे क्या नंबर, एक प्रॉब्लम आ रहा है, नंबर आ रहा है। चलो नंबर को भी हटा देता हूं ना, टेंशन क्यों है। यहां पे मैं इस सेल को यहां से तक
सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल में जाना है, और फॉर्मेट सेल जब आप यहाँ पे आओगे ना, इसको कर दीजिए कस्टम, और कस्टम में जाने के बाद यहाँ जो जनरल है ना, यहाँ पे तीन बार सेमी कॉलम लिख दीजिए। क्या लिखना है? सेमी कॉलम, सेमी कॉलम, सेमी कॉलम, थ्री टाइम सेमी कॉलम लिखो और इसको कर दो ओके। तो देखिए नंबर यहां से क्या हो गया, गायब हो गया है, और आपका फोटो यहाँ पे रेडी है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखिए फोटो गायब हो रहा है, चला गायब, चला गया, लाना है लेके आ जाइए ना। क्लियर है किस तरह से हो रहा है, आपको पता चल रहा है? मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए थोड़ा कुछ अलग कलर किया था, कोई बात नहीं, आप चाहे तो इसमें जो है इसको पूरा को सिर्फ व्हाइट कलर ही कर दो ना, कोई भी कलर रख लीजिए आप, जो मन चाहे आप कलर रख सकते हो, पूरा सीट का यही कलर हो गया है। लेकिन जब यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो आपका फोटो जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है, किस तरह से अपीयर हो रहा है, किस तरह से डिसअपीयर हो रहा है, आपको पता चल रहा है। ठीक है, और इस फनी वीडियो के चलते आपने एक्सेल का बहुत सारा ट्रिक भी देखा। ठीक है, तो किस तरह से हमने क्या किया नहीं किया आपको पूरा डिटेल में पता चला। अगर फिर भी कुछ डाउट हो ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कुछ न्यू आइडिया न्यू ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।